अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह, फरमाइए। मेरा नाम तारिक सुबी खालिद है और मेरा सवाल है कि अगर किसी को इतनी अच्छी इंग्लिश ना आती हो और वो किसी को क्या हो इंग्लिश ना इतनी अच्छी आती हो, अच्छी इंग्लिश ना आती हो, हाँ, तो वो सीखना चाहता हो तो इंग्लैंड में कोई ऐसे इंतज़ाम है, कोई MD के कोई हॉस्टल या ऐसी कोई जगह जहाँ पे अकेला बच्चा कोई थोड़ी देर के लिए जाके। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो MTA की लैंग्वेज ब्रांच है, जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट, वो मुख्तलिफ ज़ुबानों में बेहतरीन सिखाने के प्रोग्राम तैयार कर रही है। जर्मन प्रोग्राम जर्मन जमात तैयार करेगी, इंग्लिश प्रोग्राम वहाँ के अंग्रेज़ अहमदी तैयार करेंगे, उस पर काम हो रहा है। जब हो जाएगा तो उसकी वीडियोस से घर बैठे आप या कोई और बड़ी आसानी के साथ अच्छी मेयारी ज़ुबान सीख सकेंगे, ठीक है। और हम उसको बकायदा टेलीविज़न पे हमेशा दिखाएंगे और उन प्रोग्रामों को दोहराएंगे फिर, ताकि जिससे कोई लेक्चर मिस हो गया हो वो दोबारा सुन सके या कम से कम वीडियो कर ले अपने लिए और अपना एक लैंग्वेज कोर्स खुद घर में तैयार कर ले, समझ गए। आओ जी। मेरा सवाल ये है कि जिन वो चीज़ होती है जो नहीं नजर आती, शैतान को भी जिन कह सकते हैं? ठीक कैसे? बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। शैतान भी जिन होता है। जिन कई किस्म के हैं, उनमें से एक शैतान भी है, ठीक है। शाबाश, अब पहचान जाएंगे शैतान को आप, हैं? जिन देखा हुआ है, फिर किस तरह पहचान लेंगे शैतान को जिन कैसे? तो बात ये सिर्फ इल्मी सवाल था, है ठीक है। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा क्यों हज किया? एक दफ़ा क्यों हज किया? जी, एक दफ़ा तो नहीं किया, ज़्यादा दफ़ा किया। लेकिन किताबों के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन किताबों के अंदर लिखा हुआ कि उन्होंने एक किन किताबों में लिखा हुआ है? बिल्कुल गलत बात है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि पहले भी रिवाज था, तमाम अरब जो मैकम थे वो उनमें से जो नेक लोग थे वो हज किया करते थे। हज सिर्फ इस्लाम के बाद नहीं हुआ, फ़र्क सिर्फ ये था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि एक खुदा के बचपन ही से कायल थे, इसलिए आप हज मुशरिकाना रस्मों के साथ नहीं करते थे, वरना हमेशा हज करते रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता कि हज का वक्त और रसूल एक तरफ होकर बैठ जाए। बस नबूवत से पहले भी आपने हज किए, नबूवत के बाद भी जब फतेह मक्का हुई है उस वक्त, उसके बाद भी आपने हज किए हैं, ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हजूर, मेरा नाम रज़ा अहमद है और मेरा सवाल है कि जब आप अभी खुलफा नहीं थे तो आप अभी इस तरह की टोपी पहनते थे, किस तरह की? इस तरह नाम किस तरह की? हाँ, इस तरह की या किसी और तरह की भी हो सकती है। तो वो जब आप खुलफा बने तो आप खलीफा बने तो आप पगड़ी क्यों पहने लग पड़े थे? इसलिए कि उससे पहले खुलफा भी पगड़ी पहना करते थे, इसलिए उनकी देखा देखी मैंने भी शुरू कर दी। लोगों को आदत पड़ी हुई थी खलीफा को पगड़ी के साथ देखने की, तो मैंने कहा चलो मैं भी इस तरह कर लेता हूँ, समझ गए। मेरा नाम राशिद अहमद अफसर है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा थे क्या? जो हज़रत मोहम्मद खुलफा क्या होता है? खलीफा खुलफा कहो, खुलफा तो कुल्फा लग रहा है मुझे, है
खुलफा खुलाफा खुलाफा खलीफा की जमा क्या है? खुलाफा खुलाफा खुलाफा। तो क्या जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी थे उनके भी खुलाफा थे? ठीक है, बहुत थे। थे हज़रत यूशा बिन नून हज़रत मूसा के खलीफा थे, और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद भी उनकी खिलाफत जारी रही। पहला खलीफा उन्होंने खुद अपॉइंट किया था हिजरत से पहले, और बाद में फिर वो इलेक्ट होते रहे खलीफा उनके। ठीक है, चुनाचे कुरान करीम ने यही तो फरमाया है खिलाफत का वादा करते हुए, जैसा कि तुमसे पहले भी खलीफा थे, समझे? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हजूर, मेरा नाम अंसर अहमद अफजल है। मैं आपसे ये सवाल पूछने जाता हूँ कि हजूर कैसे अल्लाह ताला कैसे बने हैं? अल्लाह ताला हमेशा से है, समझे? कोई चीज़ हमेशा से हो सकती है, ये सवाल है कि नहीं हो सकती? हो सकती है ना, तो फिर अल्लाह हमेशा से है। ये सवाल आपके लिए समझना मुश्किल है, मगर जो असल बुनियादी बात है जो हर बच्चे के जहन में दाखिल होनी चाहिए कि अगर एक चीज़ हमेशा से नहीं है तो फिर पैदा हुई है। ठीक है ना, जो चीज़ हमेशा से नहीं है वो पैदा हुई है, और अगर कोई पैदा हुई है तो उससे पहले कोई चीज़ हमेशा से होनी ज़रूरी है जिसने पैदा किया, वरना कुछ ना हो खुद ब खुद तो कोई चीज़ पैदा नहीं हो जाती। आप अपनी अम्मा से पैदा हुए, वो आगे अपने अब्बा से अम्मा से पैदा हुई, सिलसिला चलता रहता ही है, मगर हमारा कोई ना कोई शुरू ज़रूर है। उसकी वजह यह है कि ये दुनिया और ये कायनात हमेशा से नहीं है, हमें पता है, साइंसदानों ने मालूम कर लिया है। तो इसलिए हमारा ज़रूरी है कि हमसे पहले कोई पैदा करने वाला हो, ठीक है? लेकिन हर पैदा करने वाला ज़रूरी नहीं कि हमेशा कि वो पैदा हुआ हो, वरना ये सवाल का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होगा। कोई ना कोई चीज़ लाजिम है कि हमेशा से हो, या खुदा हमेशा से है या हम हमेशा से हैं। हम तो नहीं हैं, साबित हो चुका है, इसलिए खुदा ज़रूर हमेशा से होगा। ये सादा सी दलील दिमाग में आ गई है आपके? समझ गए? शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हुजूर, मैंने आपसे सवाल नहीं करना, एक बात कहनी है। जी, ये टोपी वही है जो पहले बच्चे ने पहनी हुई थी? नहीं। आपकी अपनी है? शाबाश। क्या मुझे यहाँ पे आए हुए 4 माह हुए हैं बस? यस। कहाँ से आए हैं आप? पाकिस्तान से। किस जगह से? सरगोधा। अच्छा, सरगोधा शहर से? हाँ जी। हाँ यस जी। और मैंने आपको टीवी के अलावा पहली दफ़ा यहाँ पे देखा है। अच्छा, माशाल्लाह, फिर मुसाफा क्यों नहीं करते आके? यही कहना था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब करीब से देख लो, हैं, क्या बात, वापस ले जाओ। यही बात करनी थी मेरे ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातहू। हजूर, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। पूछें। क्या कुरान शरीफ में बताया हुआ कि और प्लैनेट्स में एलियंस हो सकते हैं? क्या बताया हुआ? कि हाँ, बताया हुआ है। बताया? शुक्रिया। हजूर साहब, मेरा सवाल है कि अल मैंने 9 प्लैनेट्स बनाया, और 9 प्लैनेट्स से सर एक प्लैनेट्स पे आबादत है, और वो प्लैनेट्स हमारा है, और जैसे बाकी प्लैनेट्स हैं उसके ऊपर आबादत क्यों नहीं हुई? अवल तो 9 ही और भी प्लैनेट्स हैं, 11 करीबन डिस्कवर हो चुके हैं प्लैनेट्स हैं,
और एक प्लैनेट वो है जो टूटा हुआ टुकड़ों में बिखरा हुआ घूम रहा है अपने मदार पर। तो क्या कहना चाहते हैं आप प्लैनेट्स के मुताबिक, क्या पूछना चाहते हैं? बाकी प्लैनेट्स के ऊपर क्यों नहीं आबादत? बाकी प्लैनेट्स पर इसलिए आबादी नहीं कि वहाँ जिस किस्म के हालात हैं उनमें आबादी होनी हमें मुमकिन नज़र नहीं नज़र आती, मुमकिन दिखाई नहीं देती। ये जो मसला है इस पे कई किस्म के गौर हो चुके हैं, कई किस्म की ख्याल आ रही हैं। बाद साइंसदान कहते हैं कि चूंकि वो प्लैनेट्स बे इंतहा ठंडे हैं बास, या उनका एक हिस्सा जो रोशनी से दूसरी तरफ रहता है हमेशा, वो इतना ज़्यादा ठंडा है कि वहाँ ज़िंदगी का पैदा होना और फिर कायम रहना नामुमकिन है। और बाज़ प्लैनेट्स आग के शोले हैं, और बाज़ प्लैनेट का मुंह हमेशा सूरज की तरफ रहने की वजह से इतना ज़्यादा तपता है कि नामुमकिन है कि वहाँ बाज़ साइंसदानों के नज़दीक ज़िंदगी किसी किस्म की ज़िंदगी पैदा हो सके, समझे? लेकिन अभी नहीं, बाज़ साइंसदानों ने इसके ख़िलाफ़ ये दलील कायम की है कि ज़मीन के अंदर बहुत गहरी खुदाइयों में जहाँ आग पिघला हुआ लावा और आग मिलते हैं वहाँ भी बाज़ किस्म के बैक्टीरिया मिले हैं जो आग से परवरिश पाते हैं। तो अगर ज़िंदगी की कोई किस्म इतनी गर्म जगह पे मिल सकती है तो ये ख़्याल कर लेना कि उन जगहों पे ज़िंदगी नहीं हो सकती ये गलत बात है, ठीक है? लेकिन उसकी तर्ज और होगी। लेकिन इसके जवाब में बाद साइंसदान ये कहते हैं कि ज़िंदगी के लिए जो उसको हम जानते हैं, हम जिसे ज़िंदगी कहते हैं, उसके लिए पानी का होना भी ज़रूरी है। और अक्सर इन प्लैनेट्स में जहाँ टेम्परेचर बहुत कम है वहाँ पानी मौजूद ही नहीं, मुंजमद चीज़ हर चीज़ जमी बैठी है, और जहाँ गर्मी ज़्यादा है वहाँ फिज़ा में भाप ही भाप है, ज़मीन पे कोई पानी नहीं मिलता। इसलिए वो कहते हैं कि वहाँ ज़िंदगी मुमकिन नहीं। इसलिए ये डिबेट हो रही है। अब लेटेस्ट एक डिस्कवरी ये हुई है कि बाज़ प्लैनेट्स में या उनके जो इर्द गिर्द सितारे घूम प्लैनेट्स के आगे भी प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं उनमें ऐसे शवाहद मिले हैं कि उनके टेम्परेचर मौजू हैं और वहाँ ज़िंदगी का इम्कान है। क़ुरान करीम ने तो बहरहाल इससे पहले ही ये ऐलान कर रखा है कि ज़मीन के अलावा भी लाजमन अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की कुछ किस्में पैदा की हैं और इंसान का और उन किस्मों का आपस में राबता हो जाएगा, समझ गए? प्यारे हजूर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इब्राहिम मुनीब अहमद है। हजूर मेरा सवाल है कि कुरान मजीद की ये आयत वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिहिर रसूल अफा माताउ कुतिला कलबतुम अला आकाबिकुम कब नाजिल हुई? ये आयत जंगे उहद के बाद नाजिल हुई है और इसकी शान नज़ूल ये बयान की जाती है कि जब ये मशहूर हो गया कि हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद में क़त्ल हो गए तो उस वक्त बहुत से मुसलमान दिल छोड़ गए और वो बाज़ मैदान से ही पीछे हट गए, तो समझे कि सब कुछ ख़त्म हो गया। उस मायूसी के जवाब के तौर पर खुसूसन इस वजह से कि बाज़ मुनाफिकीन ने उस वक्त कि समझा कि रसूलुल्लाह सल्लम होंगे ही गलत वरना शहीद ना होते, तो उसके जवाब में कि नबी लाजिमन दुनिया में या फौत होता है या कत्ल होता है, और अगर कोई नबी या फौत हो या कत्ल हो तो उसके मानने वालों को कोई हक नहीं है कि
कि वो मुर्तद हो जाएं, क्योंकि हर नबी के साथ इन दो बातों में से एक ज़रूर हुई है। ये आयत नाजिल हुई और फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बाकी अंबिया की तरह एक रसूल ही तो हैं। कद खलत मिन कबले रसूल, आपसे पहले तमाम रसूल गुजर चुके हैं, उनकी सुन्नत तुम्हारे सामने है। अफा इम माता और कुतला, बस अगर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह भी फौत हो चुके हों या फौत हो जाएं, और कुतला या कत्ल हो जाएं, अनकलब तुम अला आखाबेकुम, क्या तुम अपने एड़ियों के बल मुड़ जाओगे, वापस छोड़ के भाग जाओगे? अगर ऐसा करोगे तो यह जायज़ बात नहीं होगी। ये वो आयत और ये उसका पस मंज़र है। वालेकुम सलाम छोटे मियाँ, क्या हाल है आपका? ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? 7 साल के 8 साल? 9 हो गए हो, माशाल्लाह। अच्छा, ये आगे हैट क्यों इतना पहना हुआ है, पता नहीं लग रहा तुम अंदर से, तो ये आँखें भी हैं कि नहीं? तो उठा के तो देखो हैट। हाँ अब ठीक है, अब बताओ। कई लोग कहते हैं रमजान में के मोहम्मद दुर्रा होता है कि दर्रा होता है, दोनों हो सकते हैं। अगर अन्ना आए पहले अन्ना, तो फिर मोहम्मदन पढ़ते हैं, अशद अन्ना मोहम्मदर रसूलुल्लाह, और वैसे मोहम्मदुल रसूलुल्लाह, मोहम्मदुल रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, समझे? तो अरबी में दोनों इम्कानात हैं, बाज़ जगह मोहम्मदन पढ़ना चाहिए, बाज़ जगह मोहम्मदुल पढ़ना चाहिए। बस आप इस लफ्ज़ को अच्छी तरह से अपने बड़ों से पूछ लें, किस जगह मोहम्मदन पढ़ना है, किस जगह मोहम्मदन पढ़ना है। अजान के वक्त, तकबीर के वक्त तो ख़ास तौर पर आपको याद होना चाहिए कि कहाँ मोहम्मदन पढ़ना है, कहाँ मोहम्मदन पढ़ना है, समझे? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है कि जो सा हम ये रुमाल पहनते हैं, इसका क्या मतलब है, ये किस लिए हम पहनते हैं? मैं यही पूछना चाहता था कि रुमाल क्यों पहना हुआ आपने, मैं देख के मुझे ख्याल आ रहा था बाकी बच्चों ने नहीं पहना हुआ, आपने क्यों पहना हुआ है? खुदाम की तरफ से कोई हदायत थी कि सारे रुमाल पहने? हाँ, मगर अक्सर ने तो नहीं पहना हुआ, बाद ने पहना हुआ है। ठीक है, ये इसलिए कि ये खुदामुल अहमदिया का निशान है, सफ़ेद और स्याह स्ट्राइप्स। तो इससे पहले ये एक दफ़ा, बहुत पुरानी बात है, ये सवाल उठा कि खुदाम की भी कोई अपनी शनाख्त होनी चाहिए, उनकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और जिस तरह पुलिस यूनिफॉर्म, नेवी की यूनिफॉर्म, एयरफोर्स की यूनिफॉर्म वगैरह वगैरह, या होटलों के काम करने वालों की यूनिफॉर्म होती हैं, तो पता चल जाता है कि कोई शख्स क्या है। तो ये बाज खुदाम ने सवाल उठाया और खुदामुल अहमदिया की मजलिस शूरा में इस पर मुख्तलिफ बहसें हुईं। हज़रत मुस्लिम माऊद ने ये फ़ैसला फरमाया कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हर वक्त खुदाम बकायदा यूनिफॉर्म में फिरें, ना ये मुमकिन है कि मुख्तलिफ इस्तेमाल पर भी ज़रूर खुदाम यूनिफॉर्म में आएँ। इसलिए एक छोटा निशान मैं बना देता हूँ, तजवीज़ करता हूँ, एक रुमाल सा बना लो, उसको यहाँ लटका लिया करो, एक रिंग में से उसको निकाल लो यूँ करके, और इस तरह हमारी मजालिस में जहाँ ऑफिशियल रस्मी तौर पर हमारे इज्तमा होते हैं, वहाँ हमारा ये निशान, हमारी यकजहती और हम आहंगी का निशान बन जाएगा। ये मकसद था जो ये रुमाल तजवीज़ हुआ, और आपने बहुत अच्छा नमूना दिखाया है कि हदायत के मुताबिक ये पहना हुआ है, मगर ये जो आपने सेफ्टी पिन से बांधा है ना, ये नहीं था असल तरीक़, छोटे से रिंग बनाए गए थे साथ, वो जो दो पलड़े नीचे हैं उनको रिंग में से निकाल के यूँ खींच लो तो खुद ब खुद वो अपनी जगह पर ठहर जाता है, फिर इतना तंग नहीं होता, बल्कि यूँ आता गिरता है।
समझे आप? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम फरमाइए। हजूर मेरा सवाल था कि मैंने ये सुना है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे थे तो मतलब कोई अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो इस तरह फरिश्ता सा आया तो उनको नीचे लटा के तो उनका दिल निकाल के एक नूरानी दिल लगा के चला गया, क्या ये सच है या झूठ है? सच तो है मगर इस तरह नहीं जिस तरह आपने बयान फरमाया है। मैंने इस तरह हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जिस तरह सुनाऊंगा उसको याद रख लें। ये कशफी नज़ारा था, हकीकत में कोई चीज़ निकाल के धोई नहीं गई थी क्योंकि उस तरह धोने से दिल पाक हो भी नहीं सकते, वरना हर ऑपरेशन के बाद लोगों के दिल पाक हो जाया करें जिनको निकाल के साफ सूफ करके वापस रख देते हैं। ये कशफी नज़ारा था जिसका मतलब था कि रूहानी तौर पर बचपन ही से अल्लाह ताला ने आपके दिल पर तसर्रुफ़ फरमाया है और उसे हर किस्म की दुनिया की आलूदगी से पाक कर दिया है। और ये कशफी नज़ारा ये था कि खेल रहे थे तो बच्चों ने देखा कि एक फरिश्ता उतरा है, उसने रसूल अल्लाह सल्लम को लिटाया और सीना चाक किया और वो दौड़ गए डर के मारे और दूर से देखने लगे क्या हो रहा है। सीना चाक किया, दिल निकाला और किसी पानी से जो आसमानी पानी था उसको धोया, वापस रखा और फिर बंद कर दिया। और जब वो बंद हो गया तो वहाँ कोई निशान नहीं था सूर्य सलम के सीने पर, वरना दिल खोलने पर यहाँ स्टर्नम के सामने यूँ नीचे तक इतनी दूर निशान कटाव का होता है और कुछ स्टिचेज लगे होते हैं। तो ये रूहानी नज़ारा था, समझे? और ये सच है, ये रूहानी नज़ारा रसूलुल्लाह सल्लम ने भी खुद देखा और बच्चों ने भी देखा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि वो गैर मंजियों ने क्यों हजरत ईसा को स्लीप पे चढ़ाया था? हजरत ईसा को स्लीप पे क्यों चढ़ाया था? जी मैं बताता हूँ, दरअसल हजरत ईसा को स्लीप पर चढ़ाने की एक ऐसी वजह थी जिसका बाइबल में ज़िक्र है और क़ुरान करीम ने उसको बयान फरमाया है। यहूद में ये अकीदा था कि अगर कोई झूठा शख्स नबूवत का दावा करे और ऐसी बात खुदा की तरफ मंसूब करे जो खुदा ने ना कही हो तो उसका अंजाम ये होगा कि वो दरख्त पर यानी लकड़ी पर लटकाया जाएगा, मुराद ये थी सलीब पर मारा जाएगा। और सलीबी मौत साबित कर देगी कि ये शख्स झूठा था, खुदा ने उसकी ये सज़ा मुकर्रर कर दी है। ये स्क्रिप्चर्स में यानी पुरानी ओल्ड टेस्टामेंट की किताबों में ये लिखा हुआ मौजूद था। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दावा फरमाया कि मैं खुदा का वो नबी हूँ जिसको मसीह कहा गया है, मैं वो मसीह हूँ जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे, तो यहूद ने जैसा कि लोगों की आदत है इनकार कर दिया और ये इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारा तो आगाज़ ही गंदा है, तुम तो एक नापाक लड़के हो क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बग़ैर शादी के जन्म दिया है। इसलिए जिस बच्चे का आगाज़ ही गंदा हो वो कैसे खुदा का नबी हो सकता है। और उसके अलावा मज़ीद शरारत ये की कि आपका अंजाम भी गंदा साबित करने के लिए एक मूवमेंट चलाई, जिस तरह पाकिस्तान में एहरार मूवमेंट चली है, दूसरी शरारत की मूवमेंट चलती हैं, और हुकूमत पर यह दबाव डाला कि इस शख्स को फांसी स्लीप पे लटका दो क्योंकि ये गलत बातें करता है। और मतलब ये था कि अगर सलीब पर मर गया तो दोनों किनारे इसकी ज़िंदगी के गंदे और गलत हो जाएंगे, पैदाइश भी गंदी और मौत भी गंदी। समझ गया मकसद? बड़ी गहरी साजिश और शरारत थी कि एक शख्स जिसकी माँ का कोई खावंद ना हो और फिर भी एक बच्चा पैदा कर दे
वो ये नहीं मानते थे कि अल्लाह की हिकमत से उसकी गैर मामूली कुदरत से ऐसा हुआ। वो ये कहते थे कि गंदी औरत है, कहीं किसी से मिल गई होगी और बच्चा बन गया। तो हज़रत मसीह का आगाज़ गंदा साबित करने करके अपनी तरफ से दोनों तरफ से उनके झूठ पर मोहर लगाने की कोशिश की कि जिसका आगाज़ भी गंदा उसका अंजाम भी गंदा, वो तो इंसान कहलाने का भी मुस्तहिक नहीं, कुजा ये कि वो नबी हो। समझ गए? इस पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, हज़रत मसीह की ज़ुबान से ये अल्फाज महफूज किए कि सलामुन अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, सलामती हो मुझ पर या सलामती थी मुझ पर जिस दिन मैं पैदा किया गया। अल्लाह की तरफ से हर किस्म के गंद और गुनाह से पाक था मैं, और मेरी माँ भी पाक थी, कोई गंदगी नहीं थी, इसलिए पैदाइश के वक्त भी सलामती। वह यौम अमूत हो, और जिस दिन मैं मरूँगा, कत्ल नहीं फरमाया, सलीब नहीं कहा, बल्कि मौत जो तभी मौत है, जिस दिन मैं मरूँगा उस दिन भी मुझ पर सलामती ही होगी, यानी मैं सलीब पर लटका कर नहीं मारा जाऊँगा और इनकी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। वह यौम उबत हैया, फिर जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊँगा मरने के बाद, उस वक्त भी मुझ पर सलामती ही होगी, बेदाग और बेकसूर खुदा के हजूर हाजिर होऊंगा। ये वो कुरान का जवाब है यहूदी कोशिश के नतीजे में, कोशिश के नतीजे में नहीं, को नाकाम साबित करते हुए। इसलिए वाक़या ये हुआ कि उन्होंने रोमन एम्पायर के नुमाइंदा गवर्नर पर ये दबाव डाला, और उस इलाके का जो चीफ मैजिस्ट्रेट था उसका नाम पायलट था, पायलट के ऊपर उन्होंने दबाव डाला, और हेरोड जो गवर्नर था उस पर भी, उसके पास भी हज़रत मसीह के ख़िलाफ़ तरह तरह की तोहमतें लगाकर पैगाम भेजे, और आखिर हज़रत मसीह को यहूद ने पकड़ कर पहले अपनी एक अदालत बनाई मज़हबी, उसमें कंडेम कर दिया कि ये मरने के लायक है, ज़िंदा नहीं रहना चाहिए इसको। मगर यहूदी चूँकि अपनी हुकूमत नहीं रखते थे और रोमन कानून के ताबे थे, रोमन हुकूमत में किसी यहूदी को, किसी प्राइवेट सिटीज़न को ये इजाज़त नहीं थी कि किसी इल्ज़ाम के नतीजे में भी किसी शहरी की जान लें। जान लेना और कत्ल का फैसला, कंडेमनेशन टू डेथ करना, ये सिर्फ रोमन अम्पायर के नुमाइंदों का हक था। बस यहूदी दूसरी सज़ाएं तो दे सकते थे, उनके यहाँ मामूली अपनी अदालतें भी कायम थीं, मगर मौत की सज़ा देना उनके बस की बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने पायलट पर ये दबाव डाला और बहुत सी दलीलें दी। ये लंबा किस्सा है। बिल आखिर पायलट को मजबूर कर दिया, पिलातुस उसको उर्दू में कहते हैं, कि वो हज़रत मसीह को सलीब पर चढ़ाने का फ़ैसला दे दे। ये है पस मंज़र इस बात का कि क्यों यहूद ने आपको सलीब पर चढ़ाने की कोशिश की थी। ठीक है, आओ जी। अस्सलामु अलैकुम। बच्चे क्या हाल है आपका? ठीक है हजूर। मेरा क्या नाम है आपका? अली अरसलान। मेरा एक यह सवाल है कि मेरा छोटा भाई है वो वक्फे नौ में, तो हम किस लिए नहीं वक्फे नौ में? आप कब पैदा हुए थे? हैं? कब पैदा हुए थे? कितने साल पहले? वक्फे नौ से पहले पैदा हो गए थे आप? नहीं, बाद में हुए हैं। तो अपनी उम्मी अब्बा से पूछो। ठीक है। क्यों नहीं वक्फ किया उन्होंने? मेरा कसूर नहीं। समझ गए हो? मैंने आपसे जो सवाल करना था कि औरतें अजान क्यों नहीं दे सकती? औरतें? हाँ जी। घर में दें बेशक। क्या?
अपने घर में विषय का दान दें, मना तो नहीं किया किसी ने? नहीं, मैंने पूछा है कि क्यों नहीं दे सकती वो। क्यों नहीं दे सकती? हाँ जी, मैंने तो कहे दे सकती हैं, मगर अपने घर में दें। मस्जिद में औरतों का आना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? और औरत इमाम भी नहीं होती, इसलिए औरत क्यों अजान दे? औरत की आवाज़ में खुदा ताला ने एक ख़ास कशिश रखी है, इसी वजह से ये ख़तरा होता है कि खूबसूरत आवाज़ को जो मस्जिद में हो, इबादत के वक्त आए या इबादत से ताल्लुक़ में आए, उसमें शैतान वसवसे दिलों में पैदा कर दे और इबादत में फ़र्क आ जाए। ये वजह है कि जहाँ इबादत का ताल्लुक़ है वहाँ औरत को आवाज़ बुलंद करने से मना फरमा दिया है। हालांकि मुसलमान औरतें तकरीरें भी करती थीं और रसूल अल्लाह सल्लम जब मदीने गए तो गाने भी गाए, दफ के ऊपर बड़ी खूबसूरत आवाज़ में आपको वेलकम किया, उसको मना नहीं फरमाया। लेकिन मस्जिद में अगर इमाम गलती करे तो औरत को यह इजाज़त नहीं कि बोल कर कहे सुभान अल्लाह, ताली बजाती है, ताकि इबादत के वक्त जो माहौल है उसमें ज़र्रा भी ख़तरा ना हो कि किसी इंसान का दिमाग या दिल बहक जाए, समझियो। तो जब उनको सुभान अल्लाह की भी इजाज़त नहीं तो अजान कैसे देंगी फिर वो? लेकिन घरों में जो अपने महरम हैं सारे, अपने बच्चे भाई बड़े वगैरह, उनकी मौजूदगी में कोई औरत अजान देना चाहे तो किसी ने मना नहीं किया, ठीक है? ठीक है, आओ जी। अस्सलाम वालेकुम छोटे मियां, क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। ठीक हूँ जी। नाम क्या है आपका? मोहम्मद फातिह आसिफ। और आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है हुजूर के सालगिरह क्यों मनाते नहीं हैं? क्यों मनाते नहीं हैं? हाँ, मेरा सवाल है कि क्यों मनाते हैं नहीं? ये जवाब दो पहले, सालगिरह क्यों मनाते हैं? हर आदमी पैदा होता है, इत्तेफाकन वाकया हो गया है, कोई जश्न मनाने वाली बात तो नहीं। अक्सर जो पैदा होते हैं वो तो निकलते ही गंदे हैं, मुजरिम, कातिल, जालिम, फसादी। अगर अक्सर पैदा होने वाले ऐसे ना होते तो दुनिया अमन की जगह होती। तो क्या मतलब है खाम खा किसी की सालगिरह मनाना? अगर सालगिरह मनानी चाहिए तो सबसे ज़्यादा किसका हक है? नबियों का, ठीक है कि नहीं? ठीक है। सबसे अच्छे लोग कौन होते हैं? अल्लाह के नबी, ठीक है जी। उनकी तो मनाते नहीं, उनकी सालगिरह तो कोई नहीं मनाता। नहीं है? नहीं। और अगर मनाता है तो गलत तरीके पर, नाजायज़ मनाता है। क्यों? इसलिए कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह ना कभी आपने मनाई खुद, ना उनकी बेगम अजवाज मुताहरा ने, बेगमों ने बनाई, ना बच्चों ने, ना सहाबा ने। और आपके विसाल के बाद आपके खुलफा की सालगिरह भी किसी ने नहीं मनाई। इस दौर में हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम की सालगिरह कभी किसी ने नहीं मनाई। कभी देखी है सालगिरह मनाते हुए? नहीं। और आपके खुलफा में से किसी की नहीं मनाई? तो फिर कोई और बच्चा यूं ही उठ के सालगिरह मनाना लगे, वो कोई ज़्यादा बड़ा है? है नहीं ना? नहीं। तो फिर नहीं मनानी चाहिए, समझ गए? हाँ जी। शुक्रिया। वालेकुम सलाम, फरमाइए, आपका क्या सवाल है? जरूर, मेरा सवाल यह है कि हम रोज़ा क्यों रखते हैं? क्यों रखते हो? हैं, हर वक्त खाने को दिल चाहता है? क़ुरान करीम ने रोज़े के मुतल्लिक जो तालीम दी है वो कई दफ़ा, बल्कि कई साल से मुसलसल हर रमज़ान से पहले मैं बयान करता हूँ, उसकी हिकमतें बयान करता हूँ। आप किस दुनिया में रहते हैं? किस दुनिया में रहते हैं? आपको पता ही नहीं कि हर साल रमज़ान से पहले आपके सवाल का बड़ी तफसील से जवाब दिया जाता है और कई घंटों के ऐसे लेक्चर इकट्ठे हो गए हैं
अगर आप कैसेट लेके सुने तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? शुक्रिया। वालेकुम सलाम। तुम गोदाम में हो कि फाल में हो? फाल में। अच्छा, हाँ जी। 15 साल से कम हो अभी? हाँ जी, 14 साल। कितना? 14। 2 इंच? नहीं, मैं ना मापता नहीं हूँ, कहता कि छोटा ना कर दिया जी। अच्छा, मुझे एक जर्मन ने सवाल किया था कि आप सुअर का गोश्त नहीं खाते, तो जब खुदा ना खासा किसी एमडी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको खून की ज़रूरत होती है, तो वो जो सा खून वो जर्मनों का होता है तो वो सुअर खा के बनता है। हाँ, ठीक है, लेकिन ज़िंदगी बचाने के लिए सुअर खाना जायज़ है, ये नहीं तुम्हें पता? तो बता दो उसको। ठीक है। वो खून जिसमें सुअर मिला हो वो तो बहुत डाइल्यूट हो जाता है। खुदा तआला ने तो फरमाया है कि अगर तुम्हें ज़िंदगी बचानी हो तो ज़िंदगी बचाने के लिए जितना सुअर खाना ज़रूरी हो उतना खा लो बेशक, लेकिन अगर मौत का ख़तरा हो तो उसका जवाब तो पहले कुरान दे चुका है। ठीक है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हज़रत, मेरा सवाल ये है कि उसे कहते हैं इंग्लैंड में गाय का गोश्त खाना मना है, तो फिर उसका दूध पीना क्यों जायज़ है? मना तो नहीं है गाय का गोश्त खाना। उनको कोई बीमारी पहन आ गई है ना, इसलिए मना तो कोई नहीं, वो तो लड़ रहे हैं यूरोप से कि खामखा तुमने पाबंदियाँ लगा दी हैं, कोई ऐसी ख़तरे की बात नहीं। और वो जो मैड काउ डिज़ीज़ है उसके मुतलक 2 फ़र्क हैं जो आपको याद रखने चाहिए। एक तो ये कि वो उन गायों में है या बछड़ों में है जिनको गोश्त की खातिर रेस किया जाता है, जिनकी परवरिश और वो ख़ास किस्म की होती हैं। दूध वाली गायें और हैं और गोश्त की खातिर ज़िबा होने वाली गायें और हैं, समझे? और बीमारी उनमें पाई जाती है जो गोश्त की खातिर रेस की गई है। दूसरा, ये एविडेंस कोई नहीं अभी तक मिला कि गाय के दूध से भी ये बीमारी मुंतकिल होती हो, समझ गए? Ich möchte meine Frage in Deutsch stellen, wenn es geht. Warum darf man, also warum feiern die Christen eigentlich Weihnachten und warum dürfen wir kein Weihnachten feiern? हज़रत मसीह के साथ ताल्लुक़ रखती है और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं और हमारे मज़हब का आगाज़ हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने से शुरू होता है। वैसे तो सब नबियों ने इसी मज़हब की तालीम दी है, मगर अगर आप पहले नबियों की भी कोई खुशियाँ मनाने लगें तो फिर हज़रत आदम तक 1,24,000 क्रिसमसें मनानी पड़ेंगी और अंदाज़ा करें क्या हाल हो जाएगा। इसलिए इतना ही काफ़ी है। दूसरे, अभी तो बात हो चुकी है कि बर्थडे हम मनाते ही नहीं, रसूल सल्लम की नहीं मनाते तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क्यों मनाएं? और क्रिसमस जो है वो बर्थडे है। तीसरा जवाब ये है कि वो बर्थडे है ही गलत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा ही नहीं हुए। आप तो सितंबर में किसी, सितंबर के करीब किसी वक्त पैदा हुए हैं जबकि अभी खजूरों पर फल था। खजूर के दरख्तों पर फल दिसंबर में नहीं हुआ करता और कुरान करीम में लिखा हुआ है कि वो फलों, खजूर के फलों का ज़माना था और बाइबल से भी इस बात की तस्दीक हो चुकी है। और अच्छे मुहक्किक जो हैं, ईसाई मुहक्किक, वो ख़ुद मानते हैं कि क्रिसमस हज़रत ईसा की तारीख पैदाइश के दिन नहीं है बिल्कुल, बल्कि क्रिसमस एक फ़र्ज़ी खुदा का दिन था जो सूरज देवता कहलाता है। और सूरज देवता के दिन के साथ ईसाइयों ने खुशियों का दिन मिलाकर गोया उस दिन को अपना बना लिया और मुशरिकों से एक किस्म की सुलह कर ली।
जो बहुत नाजायज़ हरकत थी। इसलिए भी अगर और बातें ना भी होती तब भी क्रिसमस मनाना जायज़ नहीं, क्योंकि दरअसल एक फ़र्ज़ी खुदा की खातिर ये दिन था जिसे ईसाइयों ने हाईजैक कर लिया। ठीक है, अब तर्जुमा कर दें। हज़रत बानपुर ने 10 बाई नाफ़न हर्दान बच्चियों में यूसुस ऑन विया ग्लाउन ऑन हाइलिगे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस इज़ दी एस्टर आंटफोर्ट उन स्वाइटन Wenn wir so sehen, weil das ist ein Geburtstag von Jesus, dann sollen wir eigentlich die hunderttausende Propheten, die vorher gekommen waren, wir sollen auch, ich meine, einen Geburtstag für den feiern. Und Hazur hat schon ein Jung hier beantwortet, dass wir sollen nicht diese Geburtstaten so feiern. Dritte Antwort, Hazur hatte gesagt, dass dieses bestimmte Datum ist eigentlich nicht stimmt. Sondern das war eigentlich mit Ungläubigen zusammen eine Vereinbarung, dass ein Sohn Gott von Ungläubigen und Christen, die haben vereinbart und die feiern dieses Datum, obwohl das nicht stimmt ist. मुबारक हो। खैर मुबारक, शुक्रिया। मेरा सवाल ये है, हम एमडी लड़के शमुक क्यों नहीं पहन सकते? शमुक जेवर? हाँ नहीं, हम एमडी। हाँ एमडी जेवर क्यों नहीं पहन सकते जी? तुम्हारा दिल चाहता है जी? तुम्हारा दिल चाहता है जेवर पहनने को? नहीं। फिर पूछ क्यों रहे हो? पंजाबी में एक मुहावरा है कि जेड़े पिंड नहीं जाना उधर राख ही पूछना। जब जेवर तुमने पहनना ही नहीं तो पूछ क्यों रहे हो? मर्द की फितरत में नहीं है जेवर पहनना। मर्द का जो जेवर है उसके हथियार हैं, उसकी जवान मर्दी है। औरतों का जेवर चूड़ियां हैं। तभी कोई कहे ना, किसी शख्स को कहना हो बड़ा बुजदिल हो तुमने, कमे हो, कहते से चूड़ियां पहनी हुई हैं, समझे? तो जेवर फितरतन औरत का एक सिंघार है और मर्द की फितरत में जेवर का सिंघार नहीं है। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि मर्द सोना पहने, मर्द जेवर पहने, क्योंकि मर्दों की शान के या उनकी उस फितरत के ख़िलाफ़ है जिस पर खुदा ने उनको पैदा किया है। ठीक है, मोहम्मद लुकमान है। मेरा सवाल है, हम म्यूजिक सुन सकते हैं कि नहीं? डिपेंड करता है कितनी, थोड़ी बहुत सुन लो तो कोई बात नहीं, मगर अगर तुमने टूटियां लगा ली हर वक्त म्यूजिक सुनते रहे तो ना दीन के रहोगे ना दुनिया के रहोगे। म्यूजिक सुन लेना तो इतना गुनाह नहीं है, मगर ऐसी म्यूजिक की आदत जिसमें असल फ़राइज़ में म्यूज़िक हायल हो जाए, इबादत से रोके, आला दीनी कामों से रोक दे और दिमाग में म्यूज़िक सवार हो, यहाँ तक कि ज़िक्र इलाही का मज़ा ही न फिर आए, अल्लाह का नाम अच्छा ना लगे, कुरान करीम की तलावत का मज़ा ना आए, सिर्फ म्यूज़िक में मज़ा आए, ये तो हलाकत है। इसका मतलब है मरने के बाद जहाँ सिर्फ़ खुदा का जिक्र होगा तो तुम्हें सज़ा मिल जाएगी इस बात, क्योंकि तुम्हें आदत होगी म्यूज़िक की, वहाँ तो ये होगी नहीं म्यूज़िक। इसलिए म्यूज़िक से इत्तफाकन सुन लेना, गलियों में हर वक्त म्यूज़िक हो रही है, टेलीविज़न पे भी म्यूज़िक चलती रहती है, इश्तहार में भी म्यूज़िक है, इस तरह म्यूज़िक हराम तो नहीं है, मगर म्यूज़िक को इंसान अपना ओढ़ना बिछोना बना ले, म्यूज़िक के नीचे हो जाए, उसके सामने झुक जाए, जैसा कि आजकल म्यूज़िक के फैंस होते हैं, ये बहुत ही बेहुदा हरकत है। इससे मज़हब भी जाता रहता है और दुनिया को भी नुकसान पहुंचता है, समझ गए? एक और सवाल है, हम कार्टून क्यों नहीं देख सकते? कार्टून देख सकते हो, तुम्हारे अब्बा मम्मी मना करें तो और बात है, वरना देख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि एमजी आदमी या बच्चे लंबे बाल क्यों नहीं रख सकते? वही बात जो सवाल जेवर वाला सवाल था, औरतों का
है ये शेवा या दस्तूर कि वो लंबे बाल रखती हैं। मर्द बिलमूम बाल कटाते हैं, इसलिए औरत और मर्द में एक फ़र्क है, एक इम्तियाज़ है। जैसा जेवर से फ़र्क पड़ जाता है, उसका बालों से, तर्ज से, उससे भी मर्द और औरतें अलग अलग पहचाने जाते हैं। तो जब आप लंबे बाल औरतों की तरह छोड़ देते हैं, गुटे बना लेते हैं, तो बड़ा बेहुदा सा मंजर बनता है, ना मर्द ना औरत हैं, समझे हो? इसलिए इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है, नापसंदीदा बात है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा ये सवाल है। सलाम, फरमाइए। मेरा ये सवाल है, जब हम ईद पढ़ते हैं तो अल्लाह अकबर करके हाथ क्यों छोड़ देते हैं? मैं बताता हूँ, इसलिए कि हम हाथ उस वक्त बांधते हैं जब तिलावत कर रहे हों या तिलावत की आवाज़ सुन रहे हों, उस वक्त यूँ हाथ बांधते हैं। तकबीर के बाद चूँकि और तकबीर आनी है अभी, और फिर उसके बाद एक और तकबीर आनी है, फिर एक और तकबीर आनी है, और अभी तिलावत शुरू नहीं होनी, इसलिए उस वक्त तक हाथ नहीं बांधते, छोड़ते जाते हैं। जब पता चले कि अब इमाम ने हाथ बांध लिए हैं और वो तिलावत करने लगा है, तब हम भी हाथ बांधते हैं, समझ गए? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल यह है कि जब नमाज वक्त नमाज पढ़ते वक्त अगर कोई आदमी को चक्कर आ रखे हो या कोई बेहोश होकर गिर गया हो, तो जहाँ कोई और खतरा पैदा हो गया, तो नमाज छोड़कर उसकी मदद करनी चाहिए या नमाज जारी रखनी चाहिए? जो साथ के आदमी हैं उसके दोनों तरफ के, उनका फ़र्ज़ है कि उसके फ़ौरन तवज्जो करें उसकी तरफ, समझे? हर आदमी का काम नहीं, दाएँ बाएँ जो भी बैठा देख रहा हो, उसका फ़र्ज़ है कि अपने साथी की मदद करे और उस वक्त नमाज तोड़ के या वक्ती तौर पर खलल डाल के उसको संभाले। जान बचाना और बीमार की मदद करना अहम फरीज़ा है, जिसकी खातिर नमाज वक्ती तौर पर छोड़ी जा सकती है। मेरे प्यारे आका, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। हुज़ूर, मेरा सवाल ये है कि फिल्में या ड्रामे देखना हम अहमदियों को मुनासिब है या कि नहीं? देखो, अगर मैंने ना कह दिया तो सारे बच्चे कुल्लियतन बंद हो जाएंगे, और एक ऐसी बात होगी जिसमें जिस पर अमल करने की इस वक्त हमारे माशरे में ताकत नहीं है। इसलिए ये उस किस्म का सवाल है जिस किस्म के सवालों के मुतल्लिक़ कुरान करीम फरमाता है, ला तसलू अन अशिया इन तुबदलकुम तसोकुम। ऐसी चीज़ों के मुतल्लिक़ सवाल ना किया करो, ज़्यादा सवालों की आदत ना डालो कि जब जवाब दे दिया जाए तो फिर तुम पर मुश्किल पेश आ जाएगी, बोझ पड़ जाएगा। असूलन याद रखो कि लगव चीज़ों में वक्त ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक थका हुआ इंसान कभी कोई ऐसा ड्रामा देखे जो गंदा ना हो, और कहानी नहीं सुनता आदमी, कहानी नहीं पढ़ता, तो आजकल टेलीविज़न पे आप ये समझ लें कि कहानियाँ पेश की जा रही हैं, वो कहानियाँ जो अपनी ज़ात में गंदा पैगाम ना दें, उससे इंसान के दिल पर बुरा असर ना पड़े, वो अगर कोई कभी थका हुआ जब दूसरे कामों के लिए ताकत नहीं है देख ले, तो ये इस रिलैक्सेशन में कोई गुनाह नहीं है, मगर इसे आदत बनाना नुकसानदेह है। अगर गंदी कहानियाँ ना भी हों, तब भी जिनको टेलीविज़न की आदत पड़ जाए, उनको एक किस्म का जुनून सा हो जाता है, ड्रग एडिक्शन हो जाती है, वो घुमाते रहते हैं नॉब को कि कहीं कोई प्रोग्राम मिल जाए, और तबीयत बोर भी हो रही होती है, थक भी रहे होते हैं, दिल भी चाहता है अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम मिले, अक्सर नहीं भी मिलता और वक्त ज़ाया होता चला जाता है, पढ़ने की आदत ख़त्म हो जाती है। हालांकि जो लिटरेचर है, किताबों का मुतालिया, उसको टेलीविज़न कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, उसकी आदत ज़रूरी है, उससे दिमाग रोशन होता है। तो टेलीविज़न को हसबे यानी ज़रूरत हसब मुनासबत के लिहाज से कभी देख लेना, और उसमें ऐसी कहानियां देख लेना जिनमें
कोई बद बात ना हो, कुलियतन हराम नहीं है, समझ गए हो? लेकिन इसमें मुब्तला हो जाना वो बहुत बुरी बात है। और अब तो एमटीए आ गई है, एमटीए में बड़े दिलचस्प प्रोग्राम हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि एमटीए के सिवा है ना हमें बाहर ज़रूर कुछ देखना होगा वरना हम रिलैक्स नहीं हो सकते। अब तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बताते हैं फैमिली मुलाकात के वक्त कि हम तो अब दूसरे प्रोग्राम देखते ही नहीं, हमें एमटीए में बड़ा मज़ा आता है। तो रिलैक्स भी हो गए, दिमाग की थकन भी दूर हो गई और अच्छी चीज़ें भी मिल गईं, तो फिर क्या ज़रूरत है दूसरे प्रोग्राम देखने के। हाँ, बाज़ दफ़ा बाज़ बच्चों को बाज़ बच्चों वाली फिल्मों की आदत पड़ चुकी होती है, स्टार ट्रैक है या ऐसा आदमी जो उड़ सकता है झूठ मूठ का और परों पर जाकर हर चीज़ कर लेता है, और कई खौफनाक कहानियाँ देखना चाहते हैं, वेयर वुल्फ है, एक आदमी कभी भेड़िया बन जाता है कभी आदमी बन जाता है, ऐसी कहानियाँ जिन लोगों को आदत हो वो रह नहीं सकते। मगर अगर तुम गौर करोगे तो ये कहानियाँ बहुत ही बेहुदा हैं। वक्ती तौर पर एक्साइटमेंट तो है लेकिन हकीकत से दूर ले जाती हैं, फर्जी बातें हैं। तो एक इंसान हकीकत की बातें सोचने की बजाय फर्जी बातों में अपने आप को ज़ाया कर देता है, कुछ भी नहीं है इसमें, सब झूठे किस्से हैं। तो झूठ से दिल लगाना अच्छी बात नहीं है, समझ गए? मेरे प्यारे आका, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको किसने पका के भेजा इस तरह? काफ़ी प्रैक्टिस करवाई हुई आपकी, उम्मीद है ठीक है ना? शाबाश। अच्छा ये बताओ किसके बेटे हो तुम? मैं इलियास अहमद। इलियास अहमद साहिब के, ठीक है, फरमाओ आप क्या बात है। मेरा सवाल ये है कि जो शख्स जानबूझकर तीन जुम्मों की नमाजों में शामिल ना हो उसके मुतालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो काफिर हो जाता है, हैं? और इसीलिए मैंने तहरीक की थी कि हमारे यहाँ मुल्कों में उसातदा से मिल कर माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम तीन जुमे में से एक जुमा बच्चे को जुमे में शामिल होने की छुट्टी ज़रूर दें। और इंग्लिस्तान में बहुत से लोगों ने कोशिश की और कामयाब हुए। और उसके अलावा भी जब आप नागा कर ही लेते हैं कोई, तो अगर चुप करके भी जुमे तीन जुमे में से एक जुमा कम से कम नागा कर लिया करें तो अच्छी बात है, आदत पड़ जाएगी जुमा पढ़ने की, फ़ायदा होगा, और कोई इतना बड़ा नुकसान आपको अपने स्टडीज़ में नहीं होगा, समझ गए? बीमारी के ऊपर भी तो कई कई दिन, बाज़ दफ़ा महीना महीना स्कूल जाने से महरूम रह जाते हैं। तो खुदा की खातिर तीन हफ्तों में एक हफ़्ता कम से कम अगर आप मस्जिद में आ जाए करें जुमे के लिए, और उस दिन या उस हिस्से में उस वक्त स्कूल ना जाएं, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? शुक्रिया। सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फातिमा पाल है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जी कि आपका, मैं आपसे टेलीविजन पर देखता हूँ कि आपके साथ कई लोग सवाल करते हैं, तो आप उनको कैसे जवाब दे देते हैं? किनको? जो लोग होते हैं उनको कैसे जवाब देते हैं? जिस समय आप दे रहा हूँ आपको, तो आप कैसे दे रही ना सवाल, आपके सामने बैठा हूँ जी, आपको पता लग रहा है मैं कैसे जवाब देता हूँ जी? इसी तरह देता हूँ। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा तुमने बॉर्डर वाला कोट पहना हुआ है सजा, माशाल्लाह है। मेरा सवाल ये है कि क्या इसका नाम हम एम दिए हैं, अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया, ठीक है, जो ये कसाई हैं दूसरे ईसाई हिंदू सारे है। ये इनको अल्लाह ताला ने पैदा किया, फिर ये मुस्लिम को क्यों नहीं मानते? इसलिए कि इन मुस्लिम के आने की वजह पता क्या होती है?
क्यों खुदा की तरफ से कोई मसले आता है, इसलिए कि लोग गंदे हो चुके होते हैं, तो गंदे लोग फिर नहीं मानते, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, और आखिर कोशिश की वजह से अल्लाह का फजल जब शामिल हो जाए तो रफ्ता रफ्ता मानना ही पड़ता है, इनको मान ही लेते हैं फिर। तो अब देखो कितनी तबलीग हो रही है जर्मनी में, बड़े बच्चे औरतें मर्द जुटे हुए हैं माशाल्लाह। और मेरा ख़्याल है कि दुनिया में किसी मुल्क में नस्बत के लिहाज से इतने ज़्यादा लोग तबलीग में मसरूफ़ नहीं जितने जर्मनी में हैं, और अभी भी बहुत हैं जो पड़े हुए हैं बाकी। तो ये मसले को मनाने के लिए जो कोशिश है, इस कोशिश के नतीजे में बिल आखिर लोग मान जाएंगे, और इस कोशिश का फ़ायदा ये होता है कि जो लोग कोशिश करते हैं उनकी भी इस्लाह होती है, जो कोशिश नहीं करते वो निकम्मे हो जाते हैं। तो ये दो तरफ़ा फ़ायदा है, जो लोग तबलीग करते हैं उनकी अपनी तरबियत हो रही है, अपनी इस्लाह हो रही है, उनको खुदा की तरफ से नेकियां मिलती हैं, बाज़ों को अल्लाह ताला सच्चे रोया दिखाता है, प्यार के नमूने दिखाता है, उनकी दुआएं सुनता है, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और जिसको वो नेक बना, जिसको वो मना लें मुस्लिम की सदाकत, उसकी भी ज़िंदगी संवर जाती है, उसके बच्चों की भी संवर जाती है। तो कोशिश के नतीजे में फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। इसलिए दुनिया को यूँ ही नहीं मानेगी, दुनिया को पीछे पड़ के समझा समझा के मनाना पड़ता है। ठीक है, शुक्रिया। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, मेरा सवाल ये है कि शैतान आग का बना हुआ है, और किताबों में आता है कि शैतान को आखिरत के रोज़ जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, तो क्या वो आग उस पर असर करेगी या नहीं? ठीक है, असल बात यह है कि शैतान आग का बना हुआ का मतलब क्या है, ये सवाल है, हैं? शैतान आग से बना हुआ का मतलब ये है कि शैतान की फितरत में जलाना, भस्म करना, अच्छी अच्छी चीज़ों को मिटा देना और तखरीबी कार्रवाइयाँ हैं। देखो ना, इंसान को, आदम को मिट्टी से बताया, गीली मिट्टी से। गीली मिट्टी से क्या होता है, पौधे निकलते हैं, फल फूल पैदा होते हैं, इंसान की और जानवरों की ज़िंदगी के सामान मिलते हैं। तो मिट्टी तामीरी कोशिशों का नाम है और आग तखरीबी कोशिशों का नाम है। इतनी मेहनत से आपने घर बनाया, चीज़ें बनाई, एक तीली दिखाई और सब कुछ भड़क के ख़त्म हो गया। तो मुराद ये है कि शैतान की फितरत में जलाना और नुकसान पहुंचाना है, और इंसान की फितरत में जो सच्चा हो, खुदा का बंदा हो, उसकी फितरत में बिल्ड करना, तामीर करना है और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना है जो इंसान के फ़ायदे के हों। ये दो तमसीलें हैं। बस जो आग वाली फितरत का हो, जब आग में पड़ता है तो वो भी जलता है, और खुदा ताला उसको ये मज़ा चिखाता है कि तुम ये काम कर रहे थे। समझ गए बात? ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अनीक अहमद है। मैं हुजूर, मेरा सवाल है, मुसलमान अहमदियों के काफिर क्यों हैं? मुसलमान अहमदियों के काफिर क्यों हैं? जी, यानी अहमदियों को क्यों नहीं मान, अहमदी क्यों नहीं मान बनते, या अहमदियों को काफिर क्यों कहते हैं, क्या मतलब है आपका, बताएं? मुसलमान अहमदियों को काफिर क्यों कहते हैं, ये सवाल है? जी। वो इसलिए कहते हैं कि हम हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम को मानते हैं और आपको इमाम महदी समझते हैं, और वो हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के मुनकिर हैं, हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम को झूठा समझते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि तुम झूठे के पीछे चल पड़े, नाउज़ बिल्ला, इसलिए तुम भी काफिर हो गए। ये दलील है उनकी। और अगर हम सच्चे हुए तो फिर कौन काफिर हुआ? मुसलमान नहीं, जो मुसलमान बने फिरते हैं, फिर वो मुसलमान नहीं रहेंगे, फिर वो काफिर हो जाएंगे, गैर अहमदी। ठीक है ना? जी। अस्सलामु
अस्सलामुअलैकुम आका। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल है? ठीक है। अच्छे हो? जी। तो बड़ी खूबसूरत बालों की टोपी बनाई हुई है, है? जी। बकायदा तैयार काट के अच्छी तरह है? मेरा सवाल है कि अल्लाह ताला को हजरत आदिल अलैहिम सलाम देख सकती हैं? हजरत आदिल अलैहिम सलाम, आदम अलैहि सलाम, ये तुम्हें क्या सूझी है? तुमने तो उर्दू शेर आती हैं, उर्दू शेर कभी सुने हैं? हैं, एक सुनाऊं मिसरा, हैं उर्दू का, वह है अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, तुम्हें भी कमाल की सूझी है दूर की, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह को देख सकते हैं कि नहीं। बाकी नबियों को मुझे क्यों नहीं ख्याल आया? तुम देख सकते हो? हैं? नहीं देख सकते? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि अल्लाह एक नूर है। ठीक है, और नूर को नहीं देख सकते तुम? नहीं। सूरज नूर है कि नहीं? ये नूर है कि नहीं? ऊपर देखो, हैं? देख सकते हो? फिर अल्लाह को नहीं देख सकते? असल में जो तुम देखते हो ना, वो इस तरह देखते हो कि रोशनी किसी चीज से टकरा कर अंदर दाखिल होती है आंखों में, और फिर तुम्हें पता चलता है। मैं बैठा हूँ, मुझे तुम पता क्यों देख रहे हो? कि मेरे तुम्हारी ये जो रोशनी है मेरे जिस्म से टकराई, फिर वापस गई, तुम्हारी आँखों में पड़ी, अंदर कैमरे की तरह लेंस लगा हुआ है, उसने अंदर तस्वीर बनाई तो तुमने देख लिया। अल्लाह का नूर का ये मतलब है, नूर होना ये मतलब नहीं है कि वो सूरज की तरह रोशनी रखता है। सूरज को अल्लाह से रोशनी मिलती है, मगर उसकी रोशनी जो है वो सबसे ज़्यादा लतीफ़ है, उसको कोई आँख नहीं देख सकती। और उसके जिस्म को जिस्म है ही नहीं जिससे टकरा कर दूसरी रोशनी वापस आए, इसलिए खुदा ताला को नंगी आँख से देखना मुमकिन ही नहीं है, ना आदम के लिए ना किसी और के लिए। समझ गए? ठीक। क्या हो गया, कुछ लड़खड़ा रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं, बैठे बैठे पांव टांग सूझ गई, सो गई थी? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि जब हम अजान देते हैं, हाँ? तो फजर की नमाज में अस्सलात व खैरु मिनन नौम भी कहते हैं, ठीक है, और फिर दूसरी अजानों में हम नहीं कहते, ठीक है, इसी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि अक्सर लोग जागे हुए होते हैं उस वक्त, दूसरी नमाजों के वक्त अक्सर लोग जागे हुए होते हैं और फजर में अक्सर सोए हुए होते हैं, तो अस्सलात व खैरु मिनन नौम का मतलब है नमाज नींद से बेहतर है। तो जब पहले ही जागे हुए हों लोग, तो फिर ये कहने की क्या ज़रूरत है नमाज नींद से बेहतर है, सोतों को जगाने के लिए है? मेरा एक और सवाल है। हाँ? इमाम साहब जब फजर की नमाज और मगरिब इशा की पढ़ाती है, हाँ? वो तलावत ऊंची करती है, ठीक है, और जोहर असर में वो तलावत नहीं ऊंची करती, बिल्कुल ठीक है, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये इंसानी और हैवानी फितरत के मुताबिक है। देखो सुबह के वक्त तुम्हारी आँख खुलती है तो परिंदे चहचहा रहे होते हैं ना, अब प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही होती हैं, और लोग भी जो गडरिए भी गाना गा रहे होते हैं ऊँची आवाज़ में, तो वक्त है जब इंसानी और ज़िंदगी की फितरत, हैवानी फितरत भी नगमे पसंद करती है, और दोपहर को सब खामोशी हो जाती है। कभी तुमने शिकार किया है? नहीं। अगर करो तो तुम्हें पता चल जाए। हम भी तो शिकार करते थे ना जब, तो सुबह के वक्त तो परिंदे बोल बोल के बता देते थे हम कहाँ हैं। कभी तीतर की आवाज़ आ रही है, कभी फाख्ता की आ रही है, कभी और परिंदों की आ रही है, तो हमें पता चल जाता था कहाँ बैठे हुए हैं। और जहाँ दोपहर हुई वहाँ मुकम्मल खामोशी, कोई परिंदा नहीं बोलता, जिसका मतलब है कि फितरत में ये बात है कि वो खामोशी का वक्त है।
असर के वक्त भी थोड़ा थोड़ा वो उठना शुरू होते हैं, और जब मगरिब करीब हो जाए फिर तो खूब बोलते हैं, और सूरज डूबते वक्त शोर पड़ जाता है जंगल में, समझे हो। रात भी जंगल में बोल उठते हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐन फितरत के मुताबिक नमाजें सिखाई हैं। जब ज़िंदगी खामोशी चाहती है, खुदा फरमाता है तुम भी खामोश रहो। जब ज़िंदगी नगमे चाहती है, गाने पसंद करती है, तो अल्लाह ने फरमाया तुम भी तलावत ऊँची आवाज़ में किया करो। समझ गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। फरमाइए हजूर, मेरा सवाल ये था कि जब इंसान कलमा पढ़ ले, इंसान उसी वक्त अहमदी हो जाता है मुसलमान। उसी वक्त क्या हो जाए? उसी वक्त मुसलमान अहमदी हो जाता है। मुसलमान कलमे के साथ हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मुसलमान हो जाए और खुदा ने जो इमाम भेजा हो उसका इनकार कर दे, तो कलमे में अपने उसके रखना पड़ जाता है, मगर फिर भी हम उसको गैर मुस्लिम नहीं कहते, हम गैर अहमदी कहते हैं। क्योंकि कलमा पढ़कर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानकर वो इस्लाम में ज़रूर दाखिल हो जाता है। इसलिए हकीकी इस्लाम हो या ना हो वो मुस्लिम ही रहेगा। इसलिए तुम देखोगे ना हमारे लिटरेचर में गैर मुस्लिम सिर्फ उनको कहते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करते हैं, ईसाई, हिंदू, सिख या दूसरे जो भी करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? गैर मुस्लिम। और जो अहमदी नहीं है उनको कहते हैं गैर अहमदी मुसलमान, कहते हैं ना। हाँ जी। कलमे की बरकत है ये, क्योंकि वो कलमा पढ़ देते हैं इसलिए हम उनको गैर मुस्लिम नहीं कह सकते, और ये कह सकते हैं कि सच्चे मुसलमान ही रहे कि तुमने इमाम महदी का इनकार कर दिया है। समझ गए बात? हाँ जी। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है, जब हम नमाज पढ़ते हैं वला गालिम आमीन पर हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दिल में पढ़ते, ऊंची क्यों नहीं पढ़ते हम? ये दो तरह से रिवाज चला आ रहा है। जो शाफी लोग हैं उनका ये अकीदा है कि बिस्मिल्लाह भी ऊंची पढ़नी चाहिए, और हनफी फिरका जो है उनका अकीदा ये है कि बिस्मिल्लाह ऊंची नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि चूँकि हर सूरत से पहले होती है ये अंडरस्टूड है, इसको दिल में पढ़ लिया करो। तो चूँकि जमात अहमदिया अमूमन हनफी फ़िक़ा पर अमल करती है, इसलिए हम भी ऊंची नहीं पढ़ते, मगर अगर कोई ऊंची पढ़े तो उसको मना भी नहीं करते, वो भी जायज़ है। समझे हो तुम? मेरे मामू हुआ करते थे सैयद वलीउल्लाह शाह साहब, वो अरब मुल्कों में रहे इसलिए उन्होंने वहाँ से ये बात सीख ली कि बिस्मिल्लाह ऊंची पढ़नी है, और वो सारी उम्र ऊंची पढ़ते रहे। अरब से वापस आने के बाद किसी ने उनको नहीं रोका, ना हज़रत मुस्लिम मऊद ने, ना किसी सहाबी ने, ना किसी और ने। तो ये ऐसा मसला नहीं है जिस पे ऊपर आप लड़ाइयाँ शुरू कर दें, बहसें शुरू कर दें। अगर कोई अहमदी पसंद करता है ऊँचा पढ़ना तो इजाज़त है, लेकिन चूँकि हमने ये दस्तूर पाया है जितने खुलफा पहले गुजरे वो बिस्मिल्लाह दिल में ही पढ़ा करते थे, इसलिए मैं भी वही तरीक करता हूँ। समझ गए? लेकिन कोई पढ़े तो मैं उसको गलत नहीं कहूँगा। समझ गए बात? शुक्रिया। आप तो खुदाम में हैं जी। ये मैं बताना चाहता था कि पहली लाइन अब ख़त्म हो गई है। अच्छा, वक्त के लिहाज से बताएं सदर साहब खुदाम अहमदिया क्या पोजीशन है? एक घंटे से ज़्यादा नहीं था, मुझे तो डेढ़ घंटा बताया गया था। आपने क्या प्रोग्राम रखा हुआ इस वक्त? कितने देर में होगा वो मुकम्मल? जी एक घंटा। और उसके बाद फिर वापसी है यहाँ से? ठीक है। अब क्या वक्त हो गया है? 7:05। तो 8:05 अभी वक्त है, मेरा ख्याल है कुछ देर और चलाते हैं। अच्छा, दिलचस्प प्रोग्राम है, बच्चे अच्छे से सवाल कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी, चलने दें। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल था कि आगे है
सवाल था कि सवाल है? सवाल है कि एक कौम थी जो बहुत समझदार थी, तो ऐसे साफ करके पता लगवा लेते थे कि फरिश्ते किधर हैं और ऐसे, तो अल्लाह ताला ने उस कौम को तबाह क्यों किया? कौन सी कौम थी वो समझदार? तुम्हें पता? तुम्हें पता? बताओ तो सी उसका नाम, कौन सी ऐसी समझदार कौम थी जिसको खुदा ने तबाह कर दिया? वैसे हैं पता लगा लेते थे ना। क्या करते थे? वो पता लगा लेते कि फरिश्ते की तरह रहते। ये किससे तूने कहानी सुनी है झूठी? टेलीविजन पे देखा था? टेलीविजन से पता चला तुम्हें? नहीं। किसे सुना ये? मैंने तो आज तक नहीं सुना ये, पहली दफा तुमसे सुन रहा हूँ। जिसने भी तुम्हें बताया झूठ बोला है, समझे? तो मेरे को सवाल है। हाँ, वो भी ऐसा ही है। नहीं, नहीं। अल्लाह ताला ने 5 नमाजें क्यों बनाई हैं? कितनी बनानी चाहिए थी तुम्हारे ख्याल में, कम या ज्यादा? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि सुबह से लेके, मैं बताओ तुम्हारे ख्याल में कितनी होनी चाहिए थी? 5 ही। ठीक है, तुम्हें इत्तेफाक है जी, फिर पूछते क्यों हो? मैं और वजह से पूछ रहा हूँ, मेरा मतलब है कि जो भी जो तादाद होती, 8, 10, 15, या 2, या 3, या 1, ये सवाल फिर भी उठना था कि 1 क्यों बनाई, 2 क्यों बनाई, 3 क्यों बनाई, समझे हो कि नहीं? ये सवाल ही फजूल है। खुदा मालिक है, खुदा हकीम है, हिकमत वाला है, जो भी तादाद मुकर्रर फरमाई वो ठीक ही से मुकर्रर की है, मगर अगर गौर करो तो हिकमत भी समझ आ जाती है। आजकल की महज़ब दुनिया में खाने के औकात बढ़ गए हैं। आज भी जो गरीब या तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, जहाँ नस्बतन तालीम कम है, वहाँ बाज़ दफ़ा 24 घंटे में एक दफ़ा ही खाना खाया जाता है, बाज़ जगह 2 दफ़ा बस छुट्टी। और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ कितनी दफ़ा खाते हैं आप, गिन के बताएं? 3 बस? ज़्यादा? एक दफ़ा नाश्ता करते हो कि नहीं, फिर कॉफ़ी ब्रेक होता है कि नहीं, हैं? 2 हो गए, फिर लंच ब्रेक, 3 हो गए, फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना, ठीक है? और अगर ज़्यादा ही कोई नफीस बने तो फिर सफ़र भी करता है, सोने से पहले भी कुछ खाता है, तो इतनी दफ़ा खाने हो गए कि नहीं? तो रूहानी खाना है नमाज, इसलिए जो मज़हब ज़्यादा तरक्की वाला है उसने ज़्यादा खाने मुकर्रर किए हैं, समझ गया? शाबाश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। ज़रूर, मेरा एक सवाल है। डिस्को में डांस करना मना किया। डिस्को में डांस करना है, इसलिए कि बेहूदा हरकत है, इस्लाम पसंद नहीं करता कि इस तरह औरतें और मर्द मिलके गाएं और डांस करें, उससे अखलाक तबाह हो जाते हैं, और ये जो अखलाक की तबाही है, इसकी वजह से घर बर्बाद होते हैं, दुनिया के अमन उठ जाते हैं, बेहयाई फैल जाती है, उससे फिर और इंसान को तकलीफ़ें पहुँचती हैं, इसलिए डिस्को डांस का तसव्वुर भी ना करो, समझे हो? हाँ, मेरे पास एक कोर्स वाला। हाँ बताओ। क्या था वो? भूल गए? आ जा गया, तुम बैठ के सोचो, जब तक अगला सवाल कर लेगा कोई। एक तरफ बैठ के अपने माथे को बजा के सोचो क्या है सवाल। हाँ हज़ूर, मैंने पूछना था कि जिस टाइम वो गैर अहमदी हमारे घरों जाड़ते हैं पाकिस्तान में, हम उनको नहीं कुछ कह सकते? हम उनको इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि हम अक़ल वाले लोग हैं, हमें पता है कि अगर हमने कोई मुकाबल पे बदला उतारा तो हमारे दूसरे मासूम भाइयों को वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएँगे और ज़ुल्म करेंगे, तो अपने मासूम भाइयों की खातिर हम सब्र करते हैं, हैं? और इस सब्र की अल्लाह जज़ा देता है, फिर अल्लाह हमें बचाता भी है, ठीक है ना? ठीक है। आइए जनाब, सोच लिया?
याद आ गया। किसने बनाया हैं? कादियान किसने बनाया? कादियान कादियान बनाया था मिर्जा हादी बेग। एक बहुत पुरानी बात है, बाबर के ज़माने में एक कौम के अपने कबीले के सरदार थे जो हिजरत करके हिंदुस्तान आ गए। जिन दिनों में बाबर आया है हमला करके, उसने हिंदुस्तान को फतह किया और दिल्ली में उसने अपनी हुकूमत कायम की। उसी ज़माने में बाबर के बाद उस कौम के लोग, जिस कौम से बाबर ताल्लुक़ रखते थे, मुख्तलिफ कबीलों में हिजरत करके हिंदुस्तान आने लगे। तो ये जो थे हादी मिर्ज़ा हादी अली बेग, हादी बेग, वो उसी ज़माने में अपने छोटे से लश्कर के साथ हिंदुस्तान आ गए और पंजाब उनको पसंद आया और कादियान की जगह पे बैठ गए। और मरकज़ी हुकूमत ने उनको 70 इर्द गिर्द के गांवों का काजी बना दिया। काजी का मतलब उस ज़माने में था इसके फैसले करना तुम्हारा इख्तियार है और इनको टैक्स लगाना, छोटी सी रियासत जो बनेगी वो तुम्हारे सुपुर्द है। तो एक छोटी सी रियासत उन्होंने कायम की जिसका नाम था रियासत काजियां। काजी की जमा क्या है? काजियां। क्या है? काजी, काजी से काजी जिस जगह रहते हैं उसको क्या कहते हैं? काजियां। तो काजियां हम कहते हैं, मगर अरबी में द्वाद को द्वाद पढ़ा जाता है। तो वो लोग चूँकि अहले इल्म थे, वो सही तलफ़ुज़ जानते थे, इसलिए काजियां कहने की बजाय वो कादियां कहा करते थे। तो कादियां जो था वो कादियां बन गया और काफ़ भी छोटा बन गया और पंजाबियों ने कादियां कादियां कहना शुरू कर दिया। इस तरह कादियां आबाद हुआ। इसका असल नाम है कादियान और तलफ़ुज़ जो है वो चूंकि दाल की आवाज़ ज़्यादा थी इसलिए फिर लफ्ज़ द्वाद बदल कर दाल लिखा जाने लगा। समझ गए बात? फिर और ठीक है, शुक्रिया। ये सवाल। अच्छा, वालेकुम सलाम, फरमाइए। अच्छा, मैं सवाल था, जब वजू करके नमाज के लिए जाए हैं और जब वो स्मेल आती है पीछे से, फिर वो वजू टूट जाते हैं जी? वो एक जिसको स्मेल आती है उसको भी टूट जाता है क्या? जिसको स्मेल आती है उसके वजू टूट जाता है जी? उसका वजू नहीं टूट जाता। नहीं, स्मेल जब आती जो स्मेल पहुंचाता है लोगों को उसका वजू टूटता है जी? जिसको स्मेल आए उसका वजू नहीं टूटता। अगले की स्मेल तुम्हें आए तुम्हारा वजू टूट जाए, ये नहीं चाहिए। और अगर वो जो नमाज पढ़ा रहा है फिर उसका अगर टूट गया फिर वो क्या करेगा? वो वापस जाएगा घर या मस्जिद की टूटी में, टूटी के पास वजू करेगा और फिर वापस आके शामिल हो जाएगा नमाज में। जितनी रखते हैं ज़ाया हो गई वो बाद में पूरी करेगा। और अगर कोई मर्द नहीं होए जी? और अगर वहाँ पे फिर कोई मर्द नहीं हो और सिर्फ औरतें हैं उसके साथ? अगर कोई इंतज़ाम ना हो वजू का तो फिर बेहतर यही है वक्ती तौर पर तयम्मुम करके पूरी कर ले नमाज और बाद में जाकर दोहरा ले उसको, समझे? बाद दफ़ा ये भी होता है ना कि पीछे बहुत बड़ी सफ़ें लगी हुई हैं या जलसा सलाना की नमाज हो रही है, जिन देर में वो टूटियों के पास पहुँचेगा उससे पहले नमाज ही ख़त्म हो जानी है। और फिर हर एक को जो चीर के गुजरेगा सारी सफ़ें ख़राब करेगा और लोगों की नमाजें ख़राब होंगी। इससे अच्छा है, ये मैं अकली लिहाज से बात कर रहा हूँ, फुकहा ने तो फतवा दे दिया वुज़ू करे और फिर नमाज पढ़े, पर बर्बाद सुन लो, मगर हर सूरत में उस पर अमल हो नहीं सकता। इसलिए बजाय इसके मुनासिब यही है कि वहीं वो तयम्मुम करे और नमाज पूरी कर ले और बाद में घर जाकर फिर दोहरा ले, ठीक है? और अगर पीछे एक छोटा लड़का है मेरे जितने, फिर वो भी पढ़ा सकते हैं? अगर मेरा जितना एक बच्चा है उसके छोटा साइज नहीं, छोटे भी नहीं होगा? नहीं, मेरा जितने बयान कर रहे हो वहाँ मेरा तुम्हारा तुम या तुमसे छोटा बच्चा हो तो मेरे जैसा, फिर हाँ। वो नमाज पढ़ा सकते हैं? हाँ, अगर उसको पढ़ानी आती है तो। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। आओ जी,
हुजूर, मेरा ये सवाल है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं उससे पहले अजान देना क्यों जरूरी है? नमाज से पहले अजान इसलिए दी जाती है, हर नमाज से पहले नहीं दी जाती, ये गलत है। जहाँ बाजमात नमाज हो रही हो वहाँ अजान इसलिए दी जाती है ताकि लोगों को पता चल जाए कि बाजमात नमाज हो रही है, जिसके कान में आवाज़ पड़े वो भी शामिल हो जाए। या अगर मस्जिद में बाकायदा होती है तो ये निशानी होगी कि नमाज होने वाली है, वक्त हो गया है, इसलिए नमाज अजान सुनकर वुज़ू करके वो मस्जिद में पहुँच जाए। ठीक है, आओ जनाब, आपका क्या सवाल है? वालेकुम सलाम, माशाल्लाह प्यारी आवाज़ है। हुज़ूर, मेरा सवाल ये है, हाँ। तो मेरा छोटा भाई है, वो दूध नहीं पीता, वो सिर्फ दूध पीता है जब वो सोता है। दूध नहीं पीता? हाँ जी। जब सोता है तब दूध पीता है? हाँ जी। जागते हुए नहीं पीता? नहीं है? हाँ जी। तो सोते हुए पिला दिया करो, कौन सी मुश्किल है, जब सोया कर मुँह में टूटी डाल दी बस, ठीक है, है? अच्छा। शुक्रिया, या उसका तुम पी लिया करो। आजा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर है। मैं तनवीर, तनवीर हाँ। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, जब हम ईद पढ़ते हैं फिर अल्लाह अकबर करके हाथ क्यों छोड़ते हैं? आप सोए हुए थे अभी? नहीं। फिर आपको पता क्यों नहीं लगा? सवाल पहले हो भी चुका है, मेरा ख्याल आप सो गए होंगे, किसी ने मुंह में दूध की टूटी डाल दी होगी। पता ही नहीं लगा आपको। आगे चले। मैं मिर्जा नासिर अहमद एडवोकेट का पोता हूँ, तो मेरा सवाल है। अपना भी नाम है कि नहीं है? कोई अपना नाम भी रखा हुआ है कि नहीं? हाँ, मेरा नाम है वजाहत अहमद, और मैं आपसे सवाल करना चाहता था कि आप पैदा कहाँ हुए थे? कादियान में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है जी, फरमाइए। मेरा नाम वजाहत अहमद है जी। और के फरिश्ता कैसे जायज हुआ? इजाद हुआ? कैसे जायज हुआ, जायज हुआ? फरिश्ता जायज हुआ कैसे बना? जायज क्या मतलब? इजाद हुआ कहा था, मैंने पहले यही कहा था, फरिश्ता इजाद तो हुआ ही नहीं, अल्लाह मियां ने बनाया है। हाँ जी। हर चीज अल्लाह मियां ने बनाई है, फरिश्ता भी उसने बना दिया। हर चीज खुदा तआला ने बनाई है। हाँ जी। तो फरिश्ते भी उसने बना दिए, तुम्हें क्या एतराज है इस पे? अच्छा, हैं? अल्लाह के हुक्म से चीज़ें बनती हैं, जब वो कहता है फलां चीज़ हो जाए तो हो जाती है। ठीक है, मेरा एक और सवाल है जी, कि बगैर तकबीर जब पढ़ के वो बकरा ज़िबा करते हैं, हाँ, उसके बगैर क्यों नहीं करते? एक लड़के ने किया था इस तरह, बताऊं तुम्हें, एक बच्चे ने एक दफ़ा इसी तरह किया था बगैर तकबीर के। पता क्या हुआ था? एक औरत थी बेचारी, उसके मेहमान आने थे तो उसने मुर्गी पकड़ ली घर से, और ज़िबा करना था, तो हमारे यहाँ कहते हैं औरतें नहीं ज़िबा कर सकती हैं, तो वो लड़का ढूंढ रही थी, कोई मिले तो मैं ज़िबा करवा लूँ। तो एक लड़के से उसने कहा तुम्हें ज़िबा करना आता है? उसने कहा हाँ आता है। तो उसने कहा फिर ये मुर्गी ज़िबा कर दो। उसने पता है किस तरह की? उसको पकड़ा, छुरी ली, कहता इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखा, बगैर तकबीर के इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस तरह भी लोग कर देते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। मेरा वाल टिंट कर लें तो दोबारा उग जाती है, लेकिन दांत क्यों नहीं, जे टूट जाए फिर क्यों नहीं उगता? दांत? हाँ। उगते हैं? हैं? उगते हैं? नहीं, बड़ों के। बड़ों की तुम्हारी उंगली कट जाए तो उगती है? नहीं। नाक कट जाए तो उग जाएगी? नहीं। तो फिर दांत भी नहीं उगते? एक दफा तो उग गए, और कितने दफा उग गए? लेकिन बाल तो उग जाते हैं। हैं? बाल तो उग जाते हैं। हाँ, बाल उगते हैं, हर एक की अलग अलग खुदा ने तकदीर बनाई हुई है। नाखून उगते रहते हैं, बाल हर वक्त उगते रहते हैं, इसलिए दोबारा उगते हैं।
समझे हो, इसलिए कि अगर नाखून उगते भी रहें तो मामूली नुकसान हो सकता है, मगर इंसानी जिस्म को नुकसान कोई नहीं होगा। बाल उगते रहें तो इंसानी जिस्म को नुकसान कोई नहीं होता, लंबे ही हो जाएंगे ना। अगर दांत उगते रहें तो सिर से पार उतर जाएं, समझे हो ना। इसलिए अल्लाह ने उनको हुक्म दे दिया है कि एक जगह जाकर ठहर जाना है तुमने, तो जब उनकी नश्वनुमा बंद हो जाए कुदरत की तरफ से, फिर अगर तुमने उनको तोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं उगेगा, समझ गए बात। आओ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि नाम है समय अलमंद हमिदा, इससे पहले अल्लाह अकबर क्यों नहीं पढ़ते? इससे पहले जी हर आवाज़ जो दी जाती है इमाम की तरफ से, वो इस बात की इलामत है कि अब मैं हरकत कर रहा हूँ, और एक ही आवाज़ काफ़ी है। अल्लाह अकबर की आवाज़ हर दफ़ा देते हैं, मगर वहाँ चूँकि समय अल्लाह लमन हमिदा के जवाब में लोगों ने कुछ कहना होता है, इसलिए समय अल्लाह लमन इलामत है इस बात की कि इस मौके पर तुम ये बात कहो, समझे हो। यानी वो नमाज में हर जगह सवाल जवाब नहीं है, अल्लाह अकबर के बाद ही हम कुछ कहते हैं, लेकिन जवाब के तौर पर नहीं, हर रकत के हिसाब से करते चले जाते हैं। जब ये होता है समय अल्लाह लमन हमिदा, तो उसका एक जवाब है रब्बना वलकल हम्द, तो इसलिए एक ख़ास मौके पर एक ख़ास इबारत हमें सिखाई गई, और उस वक्त अल्लाह अकबर कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हरकत का पता उस आवाज़ से मिल पता चल जाता है, समझ गए बात। ठीक है, ये नासिरात भी दाखिल हो गई हैं बच्चों में, हैं सारा। इसका सवाल है एक छोटी का, नहीं मेरा है। आपका? अच्छा। अस्सलाम हुजूर, मेरा नाम फिला साजिद है, और मेरा सवाल ये है कि जब हम रोज़ा रखते हैं और गर्मी में जब सूरज निकलता है तो हम रोज़ा अपना बंद कर देते हैं। अच्छा जी, सूरज निकलने पर? जी जब सूरज निकलता है तो रोज़ा खाना बंद कर देते हो? जी। अल्लाह माफ़ी दे। खाते रहते हो उस वक्त तक? नहीं, जब तक सूरज नहीं निकलता खाते ही रहते हो? जब सूरज निकलता तो हम रोज़ा बंद कर देते हैं ना। वही तो कह रहा हूँ, जब तक सूरज नहीं निकलता तुम खाती रहती हो घर में, हैं? फिर ये क्यों कह रही हो? और जब सूरज डूबता है तो फिर हम रोज़ा अपना खोल लेती हैं। हाँ ये ठीक है। और नॉर्वे में या इस तरह के मुल्क में क्या होता है, क्योंकि उधर 6 महीने सूरज निकलता है और 6 महीने सूरज डूबता रहता है। हर जगह नहीं, शिमाल में आखिरी चोटी जो है ना नॉर्वे की, वहाँ 6 महीने भी नहीं होता, 3 महीने के करीब दिन चढ़ता है, और जो शिमाल कुतुबी कुतुब शिमाली है नॉर्थ पोल, वहाँ 6 महीने दिन 6 महीने रात, वहाँ रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना अंदाजे से होता है, समझियो। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया है पहले ही, खुदा ने आपको पहले ही खबर दे दी थी कि दज्जाल के ज़माने में दिन बहुत लंबे भी हो जाएंगे और रातें भी लंबी हो जाएंगी। उस वक्त जब सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि दिन की 5 नमाज़ें अपने आम दिनों के अंदाजे से रखना, ये नहीं कि 6 महीने में 5 नमाज़ें ही पढ़ो सिर्फ, समझे हो। रोज़े पर भी यही हुक्म है। मैं और मेरे 2 कज़न उधर पीछे बैठे, हम आपको एक हाथ देना चाहते हैं, दे सकते हैं? हाथ देना चाहती हो? तुम प्राइवेट सेक्रेटरी साहब को दे दो। कहाँ है? खड़े हो जाए। ठीक है, शुक्रिया। वो तो मेरे कजन भी, वो भी देना, सब जल्दी आओ। अच्छा जी, आओ जी अगला सवाल। हाँ जी, वो पाकिस्तान वो जुलम क्यों करते हैं? पाकिस्तान में वो कलमा मिटाते हैं।
बड़ी बुरी बात करते हैं, है ना? पाकिस्तान में वो कलमा मुटाते हैं, बहुत बुरी बात करते हैं, है ना? ठीक है, मैं भी यही कहता हूँ। ठीक है, आगे। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम उस्मान है और मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। भाई, खुदा ताला ने सब और लोगों को एमडी पैदा क्यों नहीं किया? खुदा ताला ने सबको मुसलमान पैदा किया था तो कहाँ मुसलमान रहे हैं? वो एमडी पैदा करता तो फिर भी एमडी नहीं रहना था उन्होंने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर बच्चा जो पैदा हुआ है खुदा ताला ने उसको इस्लाम पर पैदा किया था, लेकिन उसके माँ बाप कभी उसे यहूदी बना देते, कभी ईसाई, कभी कुछ कभी कुछ। तो अगर पैदा हो भी जाते एमडी तो एमडी रहना नहीं था, माँ बाप का मज़हब इख्तियार कर लेते हैं बच्चे तो, और होते एमडी हैं असल में, क्योंकि हम भी तो मुसलमान ही हैं ना, सच्चे मुसलमान नहीं हैं हम? अहमदी और मुस्लिम में कोई फ़र्क है बताओ? नहीं। बस तो फिर वाकयातन अल्लाह अहमदी ही पैदा करता है सबको। जब मुसलमान पैदा करता है तो अहमदी पैदा करता है, एक ही बात है। ठीक है, और ये बात आपकी ठीक है कि पैदा होना चाहिए, अल्लाह पैदा कर भी रहा है, लेकिन माँ बाप फिर मज़हब बदल देते हैं, ये मुश्किल है। समझ गया? आइए जनाब, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अब्दुल हई है जी। मेरा सवाल है कि हमारी जमातों में जो तंजीमें बनाई गई हैं इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तरबियत है। अब बच्चों की अगर तंजीम ना होती तो अक्सर माँ बाप को ख्याल ही नहीं होता तरबियत का पूरी तरह, कम लोगों को होता है। अक्सर माँ बाप बाज ममालिक में वैसे ही जाहिल होते हैं जहाँ तालीम का मेयार कम है। तो अल्लाह का बहुत एहसान है कि हज़रत मुस्लिम मौत को अल्लाह ताला ने पैदा किया और आपने ये तंजीमात बना दी, उसकी वजह से हम सारे जकड़े गए हैं ऐसी तंजीमों में जिससे हमें फ़ायदा पहुँचता है। आपके मुंतज़िम आपकी भलाई के लिए कोशिशें करते, आपको नमाज़ों पर ले के आते, नमाज़ों के तरीक़े सिखाते, अच्छी अच्छी नेक बातें बताते, नेक मुकाबले कराते आपके दरमियान, तो अच्छी बात है ना, तो इसीलिए बनाई गई हैं तंजीमें। ठीक है, वालेकुम सलाम, फरमाइए। मेरा सवाल है, आपने एमटी में एक दफ़ा फरमाया था कि एक मेडिकल बॉक्स बनाया गया जो हर एक बीमारी को ठीक कर देता है, तो वो मेडिकल बॉक्स जर्मनी में कब आएगा? जर्मनी के मतलब भी मैं बता चुका हूँ, ये जर्मन जमात का काम है कि अपने मेडिकल बॉक्स खुद बनाए। लंदन वालों ने बुनियादी काम इतना किया, इतनी मेहनत की है इस पर कि अब उन पर मैं ये बोल नहीं जा सकता कि सारी दुनिया को बना बना के दे। एक नमूने का बॉक्स वहाँ से हम भिजवा चुके हैं या भिजवा देंगे अगर जर्मन जमात मांगेगी, अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करे। ठीक है, आगे। Also ich wollte meine Frage auf Deutsch machen. Also Allah hat doch viele Religionen auf der Welt gebracht und eine geht doch ins Paradies. Und wieso hat dann die anderen Religionen auch auf der Welt gebracht? Das war ja, dass Allah Taala ne duniya mein mukhtalif mazahib jo hai wo banaye hain, lekin sirf ek mazhab jo hai wo jannat mein jayega, to phir itne mazahib banane ka kya maqsad hai? जब खुदा ने मज़ाहब बनाए थे तो हर मज़हब जो बना उसको मानने वाले जन्नत ही में जाते थे, समझे? जब मज़हब बिगाड़ दिए लोगों ने तो फिर अगला मज़हब आया, जब वो भी बिगड़ गया फिर अगला आया, आखिर पर इस्लाम आया है। Beginning zum Paradies und jetzt zum Ende kam Islam und deshalb diejenigen, die Islam folgen werden, die werden im Paradies gehen. अच्छा, अभी आखिरी सवाल कर लें फिर। हाँ, अब आपका सवाल आखिरी होगा क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम दूसरा है, वहाँ जाना है। ठीक है, फरमाइए। मेरा सवाल ये है
जब नमाज पढ़ रहे होते हैं फिर आंखें बंद करके क्यों नमाज पढ़ने की इजाज़त होती? आंखें बंद करने की ज़रूरत क्या है? तुम उससे बातें कर रहे हो कि नहीं? तुम उससे बातें कर रहे हो जी? आंखें बंद करके क्यों नहीं करते? आंखें क्यों खोली हुई हैं? तुमने आंखें क्यों खोली हुई हैं? बंद क्यों नहीं कर लेते? इसलिए कि जो सामने हो कोई शख्स जिसे तुम बात कर रहे हो उसे आंखें खोल के बातें करते हो, आंखें बंद करके तो नहीं ना करते हैं? करते हो तो फिर जब अल्लाह के सामने हाजिर हो तो सोचते ही हो कि खुदा मेरे सामने है। जब ये सोचते हो तो फिर आंखें खोलनी चाहिए, है ना? ठीक है। अच्छा जी, अब चूँकि अच्छा एक छोटा सा सवाल और करा लो। चलो छोटा बच्चा जो है ये सवाल कर ले एक दफा, बस फिर छुट्टी। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अंसर है। मैं सवाल करना चाह रहा था जी, अगर नमाज पढ़ते हैं तो आगे गुजरने की इजाज़त क्यों नहीं होती? इसलिए कि सजदा करना होता है ना आदमी ने, और फिर अल्लाह की तरफ तवज्जो रखनी होती है, तो लोग आगे गुजरेंगे तो नमाज डिस्टर्ब होगी, और बाद दफ़ा सजदा करेंगे तो टक्कर ही लग जाएगी। तू यूँ कर रहे हो तो आगे से कोई गुजरा तो यहाँ ज़ोर से लगा तुम उधर मुँह होके जा पड़ोगे दूर। तो अल्लाह मियाँ ने नमाजियों की हिफाजत की खातिर, ताकि आराम और सुकून से इबादत करें, कोई उनको तंग ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए ये हुक्म दिया है कि नमाजी के सामने जो सजदा की जगह है उसके अंदर से नहीं गुजरना। समझ गए हो? अच्छी बात है ना? हाँ ठीक है। भैया मेरा भी एक सवाल है, इधर आओ, इधर आओ, बात सुनो। मेरा तुमसे ये सवाल है, इतनी बड़ी टोपी कहाँ से ली है तुमने? इतनी बड़ी टोपी कहाँ से ली है? कानों के ऊपर से उतर के नीचे आ गई है। किसकी है ये? तुम्हारे भाई की या अब्बा की? मेरी है। तुम्हारी है? इतनी बड़ी क्यों, इतनी बड़ी क्यों है? तुम्हारे सर से बहुत बड़ी है जी। मेरे दौरा नहीं किया हुआ। हाँ ये करो ना फिर इसको, ठीक कर लो। भी नहीं है। कर लो यूं करके, अभी भी कान ठपे हुए हैं, है? बड़े साइज की है, ठीक है। किसने ली थी? अब्बा ने कि उम्मी ने? क्या, किसने खरीदी थी ये टोपी? पता नहीं, फिर मैं पैदा भी नहीं हुआ था, फिर मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मुझे याद नहीं है। पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त आई ये टोपी है जी? आसमान से उतरी थी क्या? आसमान से उतरी थी है? पता नहीं, पता नहीं। I was not yet born when the cap came. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।